कैसे हो तुम? तो यार मुझे लगा कि इतने टाइम बाद एक फुल फ्लेज्ड अवार्ड शो हो रहा है एंड ऑफ कोर्स इज द मोस्ट ऑथेंटिक अवार्ड शो एंड यस होस्टिंग इट मजा आएगा शाम को। अरे अरे ये तो आपका बड़प्पन और प्यार है। आई थिंक ऑफ कोर्स आई थिंक आई एम वर्किंग 360 डिग्रीज, बीट होस्टिंग, बीट एक्टिंग, बीट म्यूजिक, सब चीज़ें हो रही हैं साथ साथ, तो शायद उसकी वजह से अलग अलग तरीके की ऑडियंस जुड़ती जा रही है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड यू नो कि हर स्पेस में काम करने को मिल रहा है। ओह माय या हाँ यार ये धीरे धीरे सारे ही टचवुड अगले 6-8 महीने में या मैक्सिमम एक साल में जितनी भी आपने नाम लिए हैं है ना ये शोज़ ये फिल्म्स ये सब रिलीज़ होने वाली हैं एंड टचवुड पिछले 1-1.5 साल में जितना भी टाइम लगाया है काम करते हुए जितना भी हार्डवर्क किया है वो सब ऑलमोस्ट एक साथ ही बैक टू बैक बाहर आएगा एंड रिसेंटली गाना आया है एक यारों सब दुआ करो, अब उसके बाद मैं एक गाना अपना खुद का जो मैंने खुद गाया है वो रिलीज़ करने वाला हूँ इन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ इट। यस यार मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्रिटिक्स हैं हमारे शहर में उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे बैक इन द डे। बहुत बार ऐसा होता था कि फिल्म रिलीज़ होती थी और जब वो रिव्यू करते थे तो टच और उन्होंने सबने स्पेशल मेंशन किया है बहुत बार एंड आई थिंक उसने उन वर्ड्स ने मुझे बहुत हम्बल यू नो किया है एंड जब जैसे ही मुझे फ़ोन आया इनका कि आई हैव टू होस्ट दिस शो आई वाज लाइक जो कुछ भी अभी तक किया है वो इन अ वे इनका दिया हुआ है क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ में ऐसा बोला गया था कि यार अपार को बार बार सपोर्टिंग रोल क्यों करा रहे हैं, लीड रोल क्यों नहीं करा रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ ने बहुत सारे यू नो क्रिटिक्स ने ये बात बोली थी। आई थिंक जो जिंदगी में चीज़ें अच्छी हुई हैं इन अ वे दे हैव अ रोल टू प्ले एंड जो उन्होंने इतनी सारी अच्छी बातें बोली और उसकी वजह से यू नो लीड रोल्स की फिल्में मिलनी स्टार्ट हुई, वो नरेशन स्टार्ट हुई, वो स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई, आई थिंक आई हैड टू कम एंड गिव दैट लव एंड रिस्पेक्ट बैक टू देम। अरे नहीं यार नहीं बिल्कुल नहीं, आई थिंक सब कुछ हैंड इन हैंड ही चलेगा जिंदगी भर एंड आई मीन आई इन अ वे हैव जस्ट स्टार्टेड आउट एंड राधा मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आई इन अ वे यू नो लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड फ्रॉम हिम, सो या आई थिंक जिस तरह लोग फिल्म्स को वेब सीरीज़ को रिसीव करते हैं उतना ही यू नो खुले दिल से आजकल लोग सॉन्ग्स को रिसीव करते हैं एंड अभी मैंने एक गाना किया जिसमें मैंने फीचर किया था यारों सब दुआ करो जो जी म्यूज़िक कंपनी का गाना है, स्टेमन ने बहुत अच्छे तरीके से गाया है। उसके बाद अब मैं अपना खुद का गाना लेकर आने वाला हूँ जो मैंने गाया है, उसमें आप धनश्री वर्मा को देखोगे एंड वी हैव हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दिस, मैक्सिमम मंथ्स टाइम आप उस सॉन्ग को सुनोगे सोनी म्यूजिक पे, सो टच वुड लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज। ओहो ओके जाते जाते अपने लास्ट गाने की लाइनें गुनगुना देता हूँ इन दैट केस। ओके कुड़िए नी मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो रहना, कुड़िए नी ए चुप्पी ता तोड़, कुड़िए नी आना कानी भी छोड़,
कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई टफ कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला है, दोनों हैंड इन हैंड जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा कि क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, ये बहुत मायने रखता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो जर्नलिज्म में हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, जो अपनी स्पष्टवादिता के लिए, जो अपनी साफगोई के लिए, जो अपनी बात रखने में हिचकिचाते नहीं हैं, ये उन लोगों का पैनल है। तो इस अवार्ड में अगर कोई नॉमिनी हुआ है तो वो ही अपने आप में बड़ी इज्जत है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े सम्मान की बात है, और एक स्क्रूटनिंग के तहत, इन जर्नलिस्ट के स्क्रूटनिंग के तहत ये अवार्ड एक्टर्स तक पहुंचता है, जिसे हमें सर आंखों पर लेना चाहिए। और जो आप कह रहे थे कि विलन को भी अब अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। अल्टीमेटली विलन भी एक्टर है भाई, और कलाकार को क्या चाहिए होता है, उसे सिर्फ प्यार चाहिए होता है, थोड़ा सम्मान चाहिए होता है, और कहीं ना कहीं वो चाहता है कि उसे एक रिकॉग्निशन मिले, इज्जत मिले और प्यार मिले, है ना। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। गुड टू सी यू टू। मैं इधर बात करूँ ना, बीच जी हाँ बिल्कुल। आज बहुत सारे राउंड टेबल्स मैं होस्ट कर रही हूँ एट द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स, सो आई बी यू नो होस्टिंग सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस। मैं कई सालों से इस प्रॉपर्टी को होस्ट करे आ रही हूँ, और इस साल अपार इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेकिंग सेंटर स्टेज, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी फॉर इट। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक यू नो, मैं कई सालों से जब क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड होस्ट भी कर रही थी, मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि यहाँ से जो फिल्म्स की सिलेक्शन आती है, जितने विनर्स आते हैं, ऑलमोस्ट फॉर द नेक्स्ट टू और थ्री मंथ्स दे गो डाउन एज माई कॉन्टेंट व्यूइंग लिस्ट। वॉट इज़ इंटरेस्टिंग इज दैट यहाँ पर आप इतनी सारी फिल्मों के बारे में जानेंगे आज, जिनके बारे में शायद आप ना जाने। नाउ दैट हैज़ टू चेंज, एंड आई फील दैट वी शुड ऑल्सो नो अबाउट ऑल द फिल्म्स इवन बिफोर, but there are such beautiful gems that will be that you'll be getting to know about tonight, the winners, chahe wo short film category ho, web series humne kafi sari dekhi hain, filmein humne kafi sari dekhi hain, so there's a lot of talent that comes out of the big night tonight. Thank you. जी हाँ, आई मीन जितना मिलता जाए उतना अच्छा है। जितनी जब हमने पहली बार बात की थी तो प्यार उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, सो या वे जस्ट होपिंग दैट हर थर्सडे हमारे लिए प्यार और बढ़ता जाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।
Yes, of course, I'm very happy to be nominated. And you know, the unique thing is, which language, Hindi or English or both? Okay. So I'm very grateful to all the critics of India, because this is my first nomination as Best Actress for Lily, Bombay Begums, because up till now I was getting Supporting Actress nomination. You know, I remembered when I got my first national award, my role was only 10 minutes long, and MS Satyu was jury head, and he had told me that aapka role thoda bada hota to hum aapko Best Actress ka nomination, national award de dete. Aaj mujhe us cheez ki yaad aayi ki Lily ka role, matlab, of course she is one of the protagonists, but length wise chota hone ke bawajood mujhe critics ne Best Actress ka nomination diya hua hai, and I have been nominated with all great actresses of India. So I'm really, really grateful to critics for nominating me as Best Actress for Lily, Bombay Begums. And of course, this nomination I dedicate to Reshma Appa, who is actual bar dancer who helped me to portray Lily, and Alankrita Srivastava. Thank you so much. शीशा को बोलने दे, बिलू काम अच्छा होगा, उसकी तारीफ होगी, तो विलन बन या हीरो बन या हीरोइन हो, कोई भी हो, काम अच्छा होगा, तारीफ कर रहे, अवार्ड दे रहा, अच्छा हौसला बढ़ता है। बाकी आज क्रिटिक्स अवार्ड है, क्रिटिक्स ने मेरी तो कर दी थी बराबर, जब मैं आया था तो मेरे को तो धो दिए थे, आज मैं अवार्ड देने जा रहा हूँ, नसीब है। अरे वो जाएगा अवार्ड लो ले, अरे वही का वही थोपड़ा है रे। Now let me spoil your photo and just greet him. Thank you, thank you. तेरी आंखों में हमेशा प्यार है, आज से नहीं, सालों से तेरी आंख में प्यार है, तेरे को हैंडसम ही दिखूंगा, घर पे पूछ। यार इससे हसीन रात शाम कोई हो ही नहीं सकती, मतलब क्रिटिक्स मीन अलॉट, और क्रिटिक्स के क्रिटिक्स जिनको चुनते हैं वो उसमें एक वज़न होता है, जाहिर है, तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है, नॉमिनेटेड हैं तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कंटेंट ड्रिवन अब ज़्यादा है, ऑब्वियसली पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, कैरेक्टर्स को निखारा ज़्यादा जा सकता है, और हर किस्म के कैरेक्टर्स, हर किस्म के का कंटेंट, और जो चीज़ें पहले हम दो घंटे में नहीं कह सकते थे, अब उनको हम OTT पे लंबे पैरामीटर्स पे कह सकते हैं, तो चीज़ें खुली हैं, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, तो गुड फॉर द इंडस्ट्री, गुड फॉर एवरीवन, थैंक यू।
हाँ, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड तो मेरे लिए बहुत प्रेस्टीजियस है क्योंकि सारे क्रिटिक्स मिलकर डिसाइड करते हैं ये कि किसको मिलेगा, और इसमें वोटिंग्स नहीं है, पूरी ज्यूरी के साथ में है, तो वो और इसको एक वेटेज देता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आई एम नॉमिनेटेड, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बार हुआ हूँ, सीज़न वन के लिए भी हुआ था फैमिली मैन के, और अब सेकेंड सीज़न के लिए भी नॉमिनेट हुआ हूँ। सो लेट्स सी। किसको? ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है हम सब एक्टर्स के लिए, चाहे कोई विलन हो या सपोर्टिंग एक्टर हो या जो भी हो। अभी लोग कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग किरदारों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और हम सारे एक्टर्स के लिए ये मतलब एकदम वरदान है OTT का जो पूरा दौर शुरू हुआ है। नेक्स्ट आप मुझे देखेंगे शर्मा जी की बेटी में, धाकड़ में, मिशन मजनू में, विक्रम वेदा में। हाँ अभी और भी थी लेकिन इतना काफ़ी है। नहीं, थैंक यू।
एक्चुअली जब क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड पहली बार हुआ था तभी भी मैं यहाँ थी. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म बिकॉज ऐसे कई सारी फिल्में होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचती एंड आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म एक्नॉलेजेस एंड गिव्स ड्यू क्रेडिट टू ऑल ऑफ दोज फिल्म्स. और बहुत दिनों के बाद बहुत लोगों से मिलना भी हो रहा है सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ओह थैंक यू. It's by this designer called Suket Dheer and it's comfortable. Abhi garmi bahut badh gayi hai, so I just want something that's comfortable. Ji, ये बहुत अच्छी बात है. In fact, recently पृथ्वी में मैं perform भी कर रही थी और तभी हमारा सिर्फ 50% occupancy था. So now it's 100%. So in general, it's great for cinema, for all art forms. Thank you so much. सो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में ये मेरा दूसरी बार का नॉमिनेशन है पर मैं पहली बार आया हूँ क्योंकि लास्ट ईयर वाला तो क्रिटिक्स चॉइस जो हुआ था वो सब ऑनलाइन हुआ था. तो ये पहला मौका है जब यहाँ आया हूँ और सुपर एक्साइटेड यार हर बार की तरह. मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा समय है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए. बतौर आर्टिस्ट मुझे लगता है ऐसे समय की शायद बहुत सारे लोगों ने पूरी ज़िंदगी राह देखी है. सो मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं इस समय का भाग बन पा रहा हूँ. जी कुछ तीन फिल्में हैं और दो वेब सीरीज़ हैं जो कि जल्दी अनाउंस होंगी. उसमें से दो फिल्में तो रेडी हैं तो आई एम जस्ट वेटिंग कि अब जैसे ही दुनिया खुली है थिएटर्स में लोग जाना शुरू हुए हैं आई होप जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगा. अरे थैंक यू वेरी मच यार. मैंने कभी मतलब मैं तो पहली बार इस प्रकार का सूट पहन के निकला हूँ. देखते हैं कैसा लगता है. थैंक यू. Forward to this evening because this is a very special award because it is the Critics' Choice Award
and you know, there's some fantastic nominations and some work that I have done recently that I'm very close to, you know, it's being recognized, and that's, I'm just so happy to be nominated along with such great talent. I mean, it's a very interesting time for content because matlab, there's so much diversity and so many interesting stories. I've really, I've not watched very much, but some things are so good and so many different kinds of worlds. So, really great content. Nahin, this is a lovely outfit by Julian Alvarez. I'm very happy to wear her, styled by who wore what when. Thank you. Thank you. क्या बाइट कर लो, बढ़िया, आप कैसे हैं? बस हाँ, मैं गुलदस्ता ही हूँ आज फिलहाल. बताइए. आई थिंक अच्छा है, क्रिटिक्स का अपना एक अवार्ड है जहाँ वो रिकग्नाइज करते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, किन किन परफॉर्मेंसेस को उन्होंने साल, पूरे साल में पसंद किया. ये अवार्ड्स मैं शुरू से देख रही हूँ, जब से ये शुरू हुए थे. मुझे लगता है काफ़ी ग्रो कर गए हैं और मैं आज यहाँ क्रिटिक्स को सपोर्ट करने आई हूँ. किसको? ऑफकोर्स ये कोई नई बात नहीं है. जब शाहरुख खान अंजाम और डर और बाजीगर जैसी फिल्में कर रहे थे तो वो भी विलन के रोल में आए थे या फिर सो कॉल्ड एंटी हीरो, तो इसमें कोई नई बात नहीं है. जब भी परफॉर्मेंसेस अच्छे होते हैं उनको लोग पसंद करते हैं. जी चल रही है अभी तो शूटिंग ऑन गोइंग है, लोगों को पसंद आ रही है फिल्म. मतलब इन द पास्ट देव रियली लव्ड दिस फिल्म. पार्ट वन पार्ट टू लोगों को बहुत पसंद आया है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है ये वाला हिस्सा भी पसंद आएगा. नहीं नहीं, अभी तो फ़िलहाल कोई शेयर, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली. पूरा टाइम फ़िलहाल प्रोडक्शन जो हमारा क्रिएटर स्टूडियो उसको ग्रो करने में लगा दी. ऑफकोर्स टू आएगा कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज फॉर दिस होल ईयर और अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है शो. और मुझे उम्मीद है कि जो केस हमने पार्ट वन में आधा ही सॉल्व किया है वो हम पूरा सॉल्व करके दर्शकों को दिखाएंगे इन पार्ट टू. थैंक यू, थैंक यू. वो तो भी राइट साइड है, तनु भी राइट.
I didn't expect the crazy response to Uantava everywhere, India-wide. I thought it was a Telugu song, but it became a pan-India song, and everywhere I go, now everybody has forgotten most of my performances. They say you were very good in Uantava, so it feels good. It's good. I think that boundaries are being blurred, for sure. Boundaries are being blurred, especially with the family man as well. In fact, my character Raji does not even speak Hindi in the series. So I made my Bollywood debut without speaking much Hindi in a web series. And I think that's how boundaries have been blurred. And it feels very, very amazing for me to be here today in Mumbai nominated for a web series, for, you know, and it, the reception, the applause, the support that I have received has been overwhelming from the Hindi speaking audience, and I am truly, truly, truly great. Soon, I prefer to let my work speak, not speak before. So soon, but I'm sure that, you know, the family man has given me added energy to work harder, to do better. So I have lots of interesting stuff coming up. Yes, sometimes I can't believe it to be true, because the love and the appreciation is overwhelming. I feel like I haven't done enough for the amount of love that I receive. So I promise to work really hard to be deserving of all of the love and appreciation. I will. No, not yet. Not yet. I will be back for that. Thank you. बाबा पीछे बहुत लोग हैं ध्यान से आई एम रेडी मैम और पीछे हो जाइए मैम रेडी और पीछे हो जाओ अभी तो एक्साइटेड नहीं हूँ कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं. हाँ, तो आई एम नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग फॉर संदीप पिंकी फरार, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग फिल्म एक्चुअली, एंड माई रोल वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. इफ़ आई गेट इट आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी. एक्चुअली इट्स
after 2 years I have come out dressed up to an award function, which is very exciting in itself. हाँ, बहुत बदल गया है सब कुछ, अच्छे के लिए बदल रहा है. मेरी उम्र की लड़कियों को भी, औरतों को भी अच्छे काम आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग काम आ रहा है. एक्चुअली मैंने कभी सोचा भी नहीं था, सो बहुत अच्छा समय है. हाँ, मेरा बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने को. कोविड की वजह से थोड़ा पुश हो गया. बहुत अच्छी फिल्में हैं, और मसाबा मसाबा 2 आ रहा है, पंचायत 2 आ रहा है, गुड बाय आ रहा है, ऊंचाई आ रही है, एक फिल्म बहुत सुंदर मैंने की है बा, वो आ रही है. सो बहुत कुछ आ रहा है. आई एंजॉय माई वर्क, सो आई एंजॉय इट. थैंक यू सो मच. कम वे हो गया. खाना खाया क्या भाई? माइक पे ये सभी ने बोला अक्षय. हाँ, सभी की डिमांड है अक्षय. 4 बजे आओ आप, अक्षय कुमार करता हूँ. उठूंगा ना 4 बजे घर पे, होशीवारा में घर पे. और क्या, आइए आप वहाँ पे, आपकी सेवा में हर बार मैं वहाँ पे. आप स्पॉटिंग कर लीजिए होशीवारा में आके. होशीवारा में आप आइए. इन पे फोकस कीजिए. बहुत बड़े पंच आप मार रहे हो सर. क्रिटिक चॉइस अवार्ड, देखिए मराठी में कहावत है, निंदका से घर असावे शेजारी. मतलब क्रिटिक्स आपके पास होने चाहिए. क्रिटिक्स आपको बताते हैं कि आपका काम कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कितनी ज़्यादा आपको तरक्की करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए. और ये अवार्ड बहुत ही अच्छे हैं, इस वजह से मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूँ. और आज मैंने यहाँ पे एक स्पेशल अपीयरेंस की है, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बना था आज. तो वही एक्चुअली आप लोग शाम से आए हुए हो यहाँ पे. कंगना जी भी आने वाली थी यहाँ पर, लेकिन उनको लगा ये क्रिटिक चॉइस अवार्ड नहीं है, ये ऋतिक चॉइस अवार्ड है, इसलिए वो नहीं आई शायद. वी लव यू कंगना जी, अगली बार ज़रूर आइएगा, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखिएगा. बाकी मेरा गला थोड़ा आज. अरे शेरा नहीं हो आप. हेलो, शेरा भी आए हुए हमारे साथ. चलो चलते हैं. चलो आइए सर, आइए. थैंक यू गाइज, थैंक यू. Hello. Good to see you, sir. Sir, I'm just very, very excited. This is one of the first times that I've come to an award show physically, so I'm very excited. And I'm just so glad to be here with like such amazing names like Vicky and Ranveer Bhai and Surinder Vicky and Raj. You know, they're all very, very amazing actors. And I'm just so glad to be in Nobel company. टाइगर के अंदाज में तो नहीं, बट आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइनअप दिस ईयर. एक्सट्रपोलेशंस करके एक प्रोजेक्ट है एप्पल टीवी के साथ जो हमने लास्ट ईयर फिल्म किया, वो न्यूयॉर्क में फिल्म हुई थी. उसके बाद एक और नेटफ्लिक्स के साथ हमने शो किया, और अभी खो गए हम कहाँ शुरू होने वाली है जो सिद्धांत और अनन्या के साथ है. तो बहुत एक्साइटेड हूँ. आई
मीन सर अच्छा लग रहा है पहली बार साल में एक महीने से ज़्यादा काम करने का मौका मिल रहा है. इसके पहले तो सिर्फ ऐसे महीने में कभी दो तीन बार या साल में यू नो 20-25 दिन, तो अच्छा लग रहा है. ये आउटफिट का क्रिटिसिज्म का तो पता नहीं, बट आउटफिट का पूरा श्रेय जो है वो मेरी स्टाइलिस्ट वृंदा को जाता है, वृंदा नारंग. शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ नॉट हियर बट शी इज़ एन अमेजिंग स्टाइलिस्ट एंड शी मेक्स मी लुक अमेजिंग एवरी टाइम एंड शी इज़ पुट दिस लुक टुगेदर फॉर मी. जी हाँ, ये वेरी इम्पोर्टेंट अवार्ड होता है एंड जिस पिक्चर को मिलनी चाहिए जो डिज़र्व करती हैं तो वो उसकी जो लोग जो हमेशा कमर्शियल पिक्चर देखते हैं और ऐसी जो पिक्चरें बनती हैं जो दिल को छूती हैं बहुत, जो बहुत नज़दीक होती है ज़िंदगी की, उसे क्रिटिक्स अवार्ड मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है. हाँ जी, विलेन को भी लोग प्यार करते हैं. जी हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. आजकल कंटेंट पे ज़्यादा जोर है और ये पिछले 2 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड, और OTT को बहुत क्रेडिट जाता है इस पर क्योंकि कहानी बनाने का मौका मिला है सबको, तो अपने अपने कहानी बनाते हैं, अच्छे कंटेंट लेके नए स्टारकास्ट को लेके, तो अच्छा है. अभी काम कर रहे हैं हम स्क्रिप्ट पे, जैसे रेडी होंगे हम अनाउंस करेंगे. हाँ हाँ, काम कर रहे हैं उस पर, जैसे रेडी हो जाएगा अनाउंस करेंगे. साल तक आ जाएगी? नहीं नहीं, नेक्स्ट ईयर तक शूटिंग शुरू होगी, उसके प्रिपरेशन के लिए टाइम जाएगा.